यही तो करता है वो बेशरम आदमी। बड़े से पंडाल लगा लिए, भाजपा के नेता, भाजपा के अंधभक्त, गोबर भक्त उस रेपिस्ट के पांव छू रहे हैं। भीख मांगने के लिए तैयार रहिए। और देखिए दिवाली में तोहफा हमने आपको ये दिया, इंसानियत दिखाकर। यह है दिवाली, अब 2 रुपए बढ़ा दोगे, मुसलमान को भी तकलीफ, हिंदू को भी तकलीफ। अच्छा। अब अंधभक्तों को भी 2 रुपए देना पड़ेगा। क्या अंधभक्त 2 रुपए ज्यादा नहीं देंगे? इसीलिए दिवाली में हमने तोहफा लाया है जो बुरा अंधभक्तों को गोबर खिलाएगा। इस ये यही तोहफा तो उनके आँख में नासूर है। ये हिंदू मुस्लिम एकता दे तो दिखा दी। देखिए ये है पंडित, ये है मौलाना, आ जाओ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये दलाल है, एक रेपिस्ट को छोड़ देते हैं, रेपिस्ट सजा, रेपिस्ट को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है, उससे भाजपा के नेता बाबा जी पापा जी मेरे, वो बुलेट से आएगा, कर्तव्य दिखाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, फिर वो बाबा जी बन जाएगा। यही तो करता है वो बेशरम आदमी, और उससे मिलने जाएंगे और ऐसे आदमियों को संत कहेंगे कि मेरी आस्था है। क्या रेपिस्टों के साथ आपकी आस्था है? अगर वो आपके बहन बेटियों के साथ बलात्कार करता या भाजपा किसी भी नेता के बड़े नेता के बेटी के साथ बलात्कार करता तो क्या उसको वही देखते? अगर आप देख रहे हैं तो एक चीज़ जान लीजिए, कल चुनाव के लिए हमारी बहन बेटियों को पेश भी कर सकते हैं। जैसे अभी अंकिता को पेश कर रहे थे, अंकिता को पेश किया जा रहा था ना उत्तराखंड में, तो ये इनकी हालत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कुछ नई पार्टियां हैं जो हनुमान भक्त बन के आई है, जिनका नाम खुजलीवाल है, वो बिल्कुल बानों पर नहीं बोलते हैं। अभी हमारे समीर भाई से मुझे जानकारी मिली है, कि गाजियाबाद में निर्भया 2 दोहराया गया है। गाजियाबाद के अंदर निर्भया 2 दोहराया गया है। परसों उस बच्ची को क्या कहते हैं अगवा करके लेके गए, वो गलत खबर है सामने उसका उसपे मत बोलिए। AIN ने खुलासा कर दिया है कि वो जो मुस्लिम बताए गए हैं वो प्रॉपर्टी का मामला था, सामने आ चुका है। और अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं, मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। वो लड़की की लाश मिली है बोरे के अंदर, नहीं हुआ है बोरे के अंदर लाश नहीं मिली है, वो मामला अलग है। अभी उसको कहते हैं जाँच चल रही है, गाजियाबाद वाला चल रही है उसपे, क्लियर नहीं करा गया है, तो जाँच की रिपोर्ट आने दीजिए। कोर्ट ने क्लियर नहीं किया उसपे, जाँच की रिपोर्ट आने दीजिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप लोग कह रहे हैं कि जांच का इंतजार हम भी कर सकते हैं, भाई तो कोर्ट का फैसला जांच है करने देंगे, लेकिन अगर ये जांच का मामला है तो क्या बिल्किस बानो के जो आरोपी छोड़े गए, जिन जो रेपिस्ट थे, तो क्या वो भी जांच का मामला है? क्या राम रहीम रेपिस्ट नहीं है, ये भी जांच का मामला है? चलिए कहा तो तर्क हमारे भी भाई, हम भी लोग मोदी जी के भगवान तो है नहीं, बेटी बचाओ। तो ये हमारा, हम तो बिल्किस बानो के 11 जो अपराधी हैं उनमें से जो एक अपराधी है शायद उसका क्या कहते हैं खुलासा भी हुआ है, वो पैरोल पे आने के बाद में भी उसने छेड़छाड़ के मुकदमे उस पर दर्ज हैं। पहले की भी पैरोल पे आया है जब भी, तो उस पर छेड़छाड़ के क्या ऐसे हैवान को, मैं तो एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली को अपने परिवार को मद्देनजर देखते हुए, समाज को मद्देनजर, ना राजनीतिक मुद्दे और ना क्या कहते हैं राजनीतिक पार्टी का मुद्दा लेके, एक समाज का मुद्दा लेते हुए, क्या ऐसे हैवान को हमें समाज में रहने का हक देना चाहिए? और क्या तो क्या, क्या सत्संग करने देना चाहिए? आप बताइए, बड़े से पंडाल लगा लिए, भाजपा के नेता, भाजपा के अंधभक्त, गोबर भक्त उस रेपिस्ट के पांव छू रहे हैं। भाई मजाक तो हमारे धर्म का बनाया गया ना, अभी एक सभा चल रही है और रेपिस्ट को पैरोल पे छुड़वा के पैर छुआ रहे हैं। मनु अधिस हो जाएंगे आपके भी, आप बताइए सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिट है कि वो रेपिस्ट है, क्या इस देश में रेपिस्ट की सभा होनी चाहिए? एक मिनट, मैं कह रहा हूँ रेपिस्ट की सभा होनी या रेपिस्ट की सभा होनी चाहिए, और वही रेपिस्ट को वही सनातन के लोग सुनने जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ महिला हो, मैंने आपसे क्या पूछा है वो जवाब दीजिए, घुमाइए मत, संबित पात्रा मत बनाइए हमको। मैंने आपसे पूछा जो भाजपा के नेता गए हैं या आप एक महिला हैं, क्या आपके किसी रिश्तेदार या परिवार के साथ उसने रेप किया होता तो क्या आप उसको बाबा मानती? आप बार बार मुद्दे मत रिवाइज करिए। जब सनातन जब छोड़ा गया रेपिस्ट को, सनातन धर्म नहीं याद आया? जब एक रेपिस्ट को जेल से छोड़ा गया था तब सनातन धर्म याद नहीं आया? क्यों सिस्टर, अगर कोई आपसे छेड़छाड़ करे एक मिनट और उसकी सजा हो और वो बाबा उसको छोड़ दिया जाए, मानोगी न्याय? अब आप बताओ मानोगी न्याय? जब किसी महिला के साथ रेप करने वाला, मैं छोटा सा एक सवाल करना चाहता हूँ,
हालांकि मेरी कम्युनिटी का सवाल नहीं है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी में नहीं, हमारे यार दोस्त मित्र जहां बैठा करते थे, जिनके साथ हम पढ़ा करते थे। तो आप लोगों में, हिंदू समाज में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? के सत्य असत्य पे सत्य जीत के अपने घर वापस आया था। बिल्कुल सही बात है, श्री राम अपने घर वापसी करे थे। बिल्कुल यही थी ना बात। और यहाँ दिवाली के मौके पर बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है, चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो अंकिता हो। ये मैं तो अपने हिंदू भाइयों से एक ही कि ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, मैं तो एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये राम की छवि को बना के रखने वाली बात है या राम की छवि को बिगाड़ने की बात है? बस और कोई सवाल नहीं। और ये बहुत शर्मनाक है, ये बहुत शर्मनाक है जो समीर भाई ने कहा, ये बहुत शर्मनाक है। और इसीलिए इस दोनों जोड़ी ने कसम खाई है कि आज के बाद धर्म के नाम के जो उन्माद ये बनाते हैं, उनको तोड़ने का काम, उनके चकनाचूर करने का काम हम करेंगे। सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई। सभी लोग सत्य पे, जो सत्य जीता था उसकी बात करें, असत्यों का साथ ना दें। और संत, जो संत बलात्कारी है, रेपिस्ट है, मर्डरिस्ट है, चोर है, डकैत है, उनका साथ ना दे के अपना पैसा बचाए। भुखमरी आने वाली है, इंडिया में हालात बुरे हैं, आपके जीडीपी का 84% कर्ज है। तो आपको समझना है ये दिवाली में दिवाला निकालेगी सरकार, क्योंकि दिवाली वहाँ जल रही है, वहाँ तेल जलाएंगे और हमारा आपका पैसा जमा दिवाली निकालेंगे। और ये जो बाइकआउट करते हैं ना, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो ये देश है ना, ये देश चल रहा है सबके आपसी रोजगार, आपसी मेल मिलाप से, और ये चलता रहेगा। अगर बाइकआउट की बात करते हैं तो मैं बता रहा हूँ, बाइकआउट करके देख लिया, इतनी महंगाई है कि भक्त अब तो रोड, अभी तक तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं कह रहा हूँ ना, महंगाई होने के बाद भक्तों को रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगने के लिए तैयार रहिए। अंधभक्तों को बाइकआउट करने से पहले उनको उनको आपके मोहन भागवत को और बीजेपी के उन नेताओं को भी करना पड़ेगा, जो कि मुसलमान से मिलने और बिरयानी खाने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।